स्वामी जी जी, मैं समता, मैं जयपुर से आई हूँ। मैंने 5 दिन में 4 kg वजन कम किया और मेरे ये लेफ्ट घुटने में दर्द रहता था, ये ज्यादा देर नहीं मोड़ पाती थी। अभी 5 दिन में अब मैं दर्द भी भूल गई हूँ। दर्द भूल गई कि कहाँ था? और आपको देखना स्वामी जी, मेरा 10 साल से सपना था कि सिर्फ आपको देख पाऊँ। और ये शायद हर का होगा स्वामी जी जो आपको फॉलो करते हैं। 15 साल पहले आप सुहागपुर आए थे जब आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ। होशंगाबाद सुहागपुर, और आज फिर आपके दर्शन करने का अवसर मिला और यहाँ आके मेरे को लगा कि मैं फंस गया शुरू में। और मेरी मिसेज के कान में आया, उसको घुटने में तकलीफ है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, लेकिन 2 दिन हम टेंशन में भी रहे, आपस में बातचीत भी नहीं हुई। आज मेरा 3 किलो वजन कम हो गया और काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ स्वर्ग में आ गए हम लोग। और उन पत्नी को भी घुटनों में फायदा, आराम है, जानू बस्ती जी। और उनको लीच भी लगवा लेना, लीच लगे और लगता है कि शायद ऑपरेशन ना करना पड़े, ठीक हो जाएगी। ना लगता नहीं, ठीक ही हो जाएंगे जी स्वामी। हाँ, 99% लोगों को जरूरत नहीं है फालतू में ये बहुत बड़ा गंदा धंधा शुरू कर रखा ऑपरेशन का। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अर्चना खंडेलवाल सुहागपुर से, MP। स्वामी जी, मुझे राइट घुटने में सिस्ट बताया है, लास्ट मंथ मैंने MRI करवाया था तो, लेकिन यहाँ की बुकिंग होने के कारण मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। यहाँ पर मतलब 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। सभी थेरेपिस्ट जो भी मुझे बोली है वो कर रही हूँ, और मतलब चलना भी अच्छा हो गया, लिटरली लंगड़ कर चलती थी मैं। हाँ। कल लीस थेरेपी ली है मैंने, इसलिए ऐसी बैठी हूँ, नहीं तो मांडी डालकर बैठ पा रही हूँ। और यहाँ भी योग ग्राम में भी मुझे नीचे बैठने के लिए मना किया, इसलिए मैं यहाँ बेड पर ही बैठ रही हूँ। बाकी कल से परसों से बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो घुटने का दर्द में थोड़ा है, लीच लिया है इसलिए हल्का सा फील हो रहा है, बाकी आराम लग रहा है। ये लीच थेरापी तो और बस्ती इतनी जबरदस्त है, जानू धारा लिया था वाद रोगों के लिए। हमारे पास 10 रामबाण उपाय हैं, लीच, फिर अलाबू, बस्ती, फिर ये गिलोय एलोवेरा, पारिजात हर श्रृंगार का जूस, पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रीट, फिर ये पीड़ानील जो स्प्रे भी आ गया, और इसका पीड़ानील का ये भी आ गया है स्प्रे और ये ट्यूब भी। और फिर जो है तेल से मसाज करते हैं आप लोगों को, और उसी से जानू बस्ती भी करते हैं जी, वो किया। ये सारे काम करके वाद तो गायब हो जाता है, नहीं तो धरती पर कोई इलाज नहीं इन चीजों का जिसका हम यहाँ करते हैं। स्वामी जी, एक क्लियर हो जाएगा 100%। जी जी जी, धन्यवाद। कितनी उम्र है तेरी जी? कितनी उम्र है? 50। तो 70-80 साल तक तो दिक्कत होगी, बाद में छोटी मोटी दिक्कत भी होगी तो देख फिर आएंगे स्वामी जी आपके पास। वैसे तो हर साल आने की सोचे है, हम लोग 18 लोग है, ये है ननंद है, वो नंदोई है जो डायबिटिक है, ये सिस्टर है जिन्होंने हाथ ऊपर कर, हम लोग 18 लोग आए, ये भाभी है। तो तुम तो सारे नए हो गए हो। कल हमारे हस्बैंड भी आपसे मिले थे। हाँ, नए मॉडल हो गए सब। थैंक यू। हर साल आना है। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे दोनों घुटने में इतना दर्द था कि मैं अभी स्टेयरकेस भी चढ़ नहीं सकता था। यहाँ पे आने के बाद हमको पंचकर्मा करने को लगा है, उसी से अभी चलना भी ठीक हो गया और बैठना भी ठीक हो गया, दोनों काम ठीक कर लिया। चलो आशीर्वाद। और मेरी 2012 में बायपास हो गई थी, इसी के वजह से मेरे को ज़्यादा बैठना उठना नहीं होता था। तो अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ का वातावरण और एक डॉक्टर की सलाह से इतना महसूस हुआ कि मेरे को अगला जन्म ही मिल गया। चल, दूसरा जन्म तो सभी का हो जाता है, मैं कहता हूँ ना, योग आपको, एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग। हम वर्धा से 40 लोग आए यहाँ पे सर, सब खुश हैं। ओके। मैं गीता जम्मू बिहार से बोल रही हूँ। 10 वर्ष पूर्व मुझे ओल्ड बॉडी में जॉइंट पेन हो गया। चलो ये कर लो। हाँ। तो मैं जम्मू से डॉक्टर पतंजलि से इलाज करवाई। हाँ। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई, लेकिन ये December 1st week में मेरा दायां पैर घुटना से नीचे जकड़ गया, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं आपके पास व्हील चेयर के सहारे आई हूँ। तो कहाँ है तेरी व्हील चेयर अब? अभी क्या हाल है? अभी मेरा 25% राहत मिली है, मैं दीवार पकड़ कर चल पा रही हूँ। चल, पूरी चला देंगे तेरे को।
चल जाएगी। अब तो खड़ी भी होने लग गई तू। मैं दीवार पकड़ के चल पाती हूँ। क्या बात, ओ चल जाएगी तो पूरी चल जाएगी। क्या हो गया था? ओम बाबा कर लो ये सूक्ष्म मैम कर लो। मेरे बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो गए थे 5-10 साल पहले बैंगलोर में। फिर मैं टेढ़े मैं कुछ कर नहीं सकती थी, आटा कुछ नहीं गूंथ सकती थी। फिर इसके बाद मैं एलोवेरा जूस पीती थी, गर्म पानी पीती हूँ 10 साल से। एलोवेरा जूस और गर्म पानी, उसी से मैं ठीक हुई योगा करती हूँ। खाली एक एलोवेरा से इतना काम हो गया? मैं बोलता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हरसिंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लो, अब खाली एक एलोवेरा इतना बड़ा कमाल कर सकता है। स्वामी जी को सत सत प्रणाम। मैं 300 के आसाम से हूँ। मैं जब 3-4 दिन पहले पहुँचा था तो नीचे बैठ नहीं सकता था। आज 3 घंटे वहाँ में भी योग किया हूँ और अभी आधी घंटा से यहाँ में भी बैठा हूँ। बैठना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी? हाँ, इतनी बुरी हालत थी। तो मैं कुर्सी में बैठ के पहले दिन योग किया था। अच्छा, और आज मैं पूरे के पूरे नीचे बैठ के योग किया हूँ। वजन भी मेरा 4 किलो कम हुआ और शुगर लेवल भी नॉर्मल था, लेकिन और नॉर्मल हो गया मेरा। और बैक फ्री हो गई, कमर कमर उम्र में काफी फायदा हुआ है। अब सोचिए, जो आदमी नीचे बैठ नहीं सकता था वो आराम से 2.5 घंटे बैठ के वहाँ में योग किया और यहाँ में अभी आपके सामने बैठा हुआ। तो खुशी होती है कि शरीर हल्का हो गया, सब वात दोष प्रशमन हो गया। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सीमा है। यहाँ पर आई तो मुझे वेरिकोज वेंस की तकलीफ थी, घुटने में दर्द था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, पाचन शक्ति की भी यानी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ आने से शंख प्रक्षालन भी किया और यहाँ का खान पान की वजह से एसिडिटी और सब ठीक हो गया। घुटना भी ठीक है और वेरिकोज वेंस में भी स्वामी जी आराम है। वेरिकोज वेंस ने कोई दवाई नहीं है। ओम स्वामी जी, मुझे 5 साल से नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाने या ऑपरेशन करने के लिए बोला था, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने योग ही किया आपका टीवी पे देख के। उसी से मुझे अभी इतना आराम है कि मैं वज्रासन में भी बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। पहले चलने में भी दिक्कत होती थी, सीढ़ी भी उतर नहीं पाती थी ठीक से। अभी काफ़ी आराम है और डायबिटीज़ और थायराइड भी मैंने यहाँ आके अपना ठीक किया है। कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। कहाँ से आई है? मैं कोलकाता से आई हूँ स्वामी जी। कोलकाता से? लो, सारी दवाइयाँ कोई नहीं लेती, एलोपैथी की भी नहीं, आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं, अब योग से ही अपने आप को उभार लिया। क्या और यहाँ के वजन भी 3 किलो कम हुआ है अभी। चलो, 1 सप्ताह हुआ है मुझे। 100 साल जिएगी और ऐसी जवान रहेगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उम्र कितनी होगी तेरी? मेरा 47 है। 47 की? सच में तो 30 साल से ज्यादा की नहीं लग रही, बड़ी युवती हो गई है। मैं विनोद दुग्गड़ पटना बिहार से हूँ। मुझे 2004 में AVN हो गया था, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। उसके कारण मेरी कुल्ले की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया था और डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अब इसका ऑपरेशन कराना अति आवश्यक है, नहीं तो कोलेप्स कर जाएगा आपका। कोलेप्स मतलब वहाँ फिर चल फिर नहीं पाओगे। तो मैंने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली और फिर मैं कलकत्ता गया। वहाँ पर एक डॉक्टर मुझे बोले कि आप ठीक है, आप ऑपरेशन कराओ, थोड़ा दिन देख लो ये दवाई वाई खा करके। मैं फिर पटना लौट के आया और मैंने स्वामी जी का ये आस्था प्रोग्राम टीवी खोल करके बैठ जाता था और 2-2.5 घंटा मैं कपाल भाती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह करता था। और 4 महीने बाद में फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मेरे को बहुत AVN में 95% फ़ायदा हो गया था। और डॉक्टर बोले कि आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि मैं प्राणायाम वगैरह कर रहा हूँ, आप वही कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया है। और उसके बाद में मेरा AVN पूरा ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, AVN का नहीं तो कुल्ला ही बदलते हैं। मैंने कितने पायलटों को देखा, कुल्ला बदलने के लिए बोला कि कुल्ला बदल दीजिए नहीं तो कोलेप्स कर जाएगा। हाँ। आप चल फिर नहीं पाओगे। आजकल छोटे बच्चों को होने लग गई है, पहले बड़ी उम्र में होती थी, छोटे बच्चों को AVN होने लगा। ये सब कॉलेज लाइफ में पायलट उनको अच्छे फिट है फिजिकली, ये हो गया AVN हो गया। अच्छा स्वामी जी, मेरा डिटेक्ट हुआ, मेरा क्या है कि 27 साल की उम्र में इल्स डिजी हो गया था, आंख में दिखना बंद हो गया था, ब्लड आ गया था 27 साल की उम्र में। तो मेरे को कोर्टिजन बहुत खिलाया था। हाँ। उसके कारण मेरे को वो अंदर से हड्डी, हाँ ये अंदर से ये मतलब साइड इफेक्ट हुआ। ये एलोपैथी के, मैं कहता हूँ एलोपैथी की दवाई एक बीमारी। हाँ। एलोपैथी दिनी दवाई एक बीमारी से। और
आ छोकरा पेट ने दवाई ली थी ने शुगर थी गई थी जी। तो ये स्टेरॉइड जो है ये इसका साइड इफेक्ट के कारण मेरे को ये हड़का खराब था, बहुत नुकसान हुआ। तो स्वामी जी अभी मेरे को ये है स्पाइन, तेरा कमर पूरा अच्छा ठीक करके भेज देंगे। हाँ ये करके भेज दीजिए, मैं आपको बहुत बहुत तेरे लीज थेरापी करेंगे, कायरोप्रैक्टिक करेंगे, पंचकर्मा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी ओम। जी ओम। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा बहन को ओडिशा से लेके आया, अर्थराइटिस 5 साल पहले अर्थराइटिस बीमार था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट 5 साल किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपका पीड़ा नील और ऑर्थोगेट जब से नया निकला है अभी खा के 90% ठीक हो गया था। 90% ठीक, 90% ठीक हो गया। प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोलम भस्त्रिका, ये प्राणायाम करके 90% ठीक हो गया। 10% बाकी था, मैं ओडिशा जाके मेरा बहन को लेके आया, अभी जो 10% था 7 दिन में अभी पूरा ठीक है, अभी चल रहा है। अपना बहन को ऐसा भाई भी होना चाहिए, भाई अपने बहनों का ध्यान रखे, एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे को सहारा दिया करो, उभारा करो। तो अपनी बहन को उड़ीसा से बुलाया, खुद दिल्ली से आया। क्या नाम है बहन का? बहन का उर्मिला है, उर्मिला। उर्मिला अभी क्या हाल है उर्मिला तुम्हारा, इसको दो माइक। इनको हिंदी मालूम नहीं है। अरे तो बोलने दो ना, ओडिया बोलने दो ना, क्या दिक्कत। ओम सामन जी। ओम कोटि कोटि नमन। प्रणाम प्रणाम। भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में आए। चलो इसको संकोच हो रहा है थोड़ा बोलने में, आपका चरण प्रश करना हम चाहते थोड़ा। तो अर्थराइटिस में क्या हालत थी इसकी? अभी बिल्कुल नहीं, पहले 10 साल से स्पाइनल कॉर्ड और आंगली वगैरह टेढ़ा था, बिल्कुल बिस्तर में बिल्कुल थे। अच्छा, पैर भी टेढ़ा टेढ़ा हो गया था, और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई थी। ये आदमी को पूरा टेढ़ा कर देता है वायु, पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। स्वामी जी 5 साल से बिस्तर में थे, 5 साल से, 5 साल से बिस्तर में। हाँ बताओ। सारे मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम 10 लाख इसमें पैसा लगा दिया, जो भी जमीन गाँव से बेच की जिया जी ने पैसा लगा दिया, पूरा गांव का जो भी पैतृक जमीन था, सब जमीन जायदाद सब बेच दिया। चलो ऊपर आ जाओ। अब ये भाई बहन दोनों खुश हैं, जमीन जायदाद तो बिक गया, लेकिन अब बच गया। कितना उम्र है तुम्हारा उर्मिला? 60 साल का उम्र है। अब हाथ सीधा है? अभी सीधा है। अब सीधा है, दोनों हाथ अब सीधा है, और पैर भी, पैर तो ठीक है, मोजा पहन रखा है, सीधा हो गया सब। कितने दिन में, कितना दिन लगा बाबा जब से पीड़ा नील और ने कितने दिन खाया? कम से कम 8 महीना खाया। 8 महीना कम से कम खाया। हाँ। घर पे ही रह करके 80% ठीक कर लिया था, थोड़ा बहुत बचा। यहाँ लीज थेरापी मसाज स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन ये सब करा करके शुद्धिकरण करा के ठीक हो गया। चलो आशीर्वाद चाहिए जी। तुम्हारे क्या ठीक? स्वामी जी प्रणाम, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ जी, महाराष्ट्र से एक छोटे ग्राम से हूँ। मेरे को लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है। हाँ। और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, एक मुक्का मार दो आपने। हाइपर एसिडिटी, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस था। हाँ। स्वामी जी यहाँ आने के बाद आज 10 दिन से मेरे को एसिडिटी की टैबलेट अभी छूट गई है, टैबलेट बंद हुई है एसिडिटी की, और लंबर स्पॉन्डिलाइसिस एकदम ठीक हुआ है। साइटिका नर्व के वजह से मेरे को चलने को नहीं आता था, अभी एकदम ठीक हूँ। 10 दिन में बहुत बहुत आराम हुआ है मेरे को, चलने फिरने भी लग गए, करना पड़ेगा बस। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस अभी एकदम ठीक हुआ है स्वामी जी। ये लम्बोस्पलाइटिस, सर्वाइकोस्पलाइटिस, एंकलोजिंगोस्पलाइटिस, आर्थराइटिस सभी मिटेगा, योग पूरा कर। एसिडिटी भी बहुत एकदम कम बोलो तो वात और पित्त दोनों हो गए, तो दोनों ठीक कर लिए, दोनों विपरीत हैं। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, बैठो। सद्गुरु स्वामी जी को मेरा नमन। तो इसके मैं पटना बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार वाले। हाँ। मेरे को 15-17 साल पहले AVN वैस्कुलर नेक्रोसिस हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऑपरेशन तुरंत करवाओ, नहीं तो कोलस कर जाएगा, चल नहीं पाओगे। कुल्ले की हड्डी घिस जाती है, जो बॉल है ना। मैंने रोज सुबह स्वामी जी का
टीवी में ऑन कर करके प्रोग्राम ऑन कर करके रोज कपाल भारती अनुलोम विलोम करीब करीब 2 घंटा रोज करता था। 2 घंटा करना शुरू कर दिया डेली। और मेरा जब मैं फिर जांच कराने के लिए गया डॉक्टर के पास, कितने दिन के बाद 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद चेक कराने के लिए गए दोबारा, तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। उन्होंने एक्सरे करवाया, फिर देखा, बोले ये तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये कैसे हो गया, ये इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं होना, मतलब नहीं मैं समझ सकता था। होता नहीं है। मगर मैंने उनसे बताया कि सर मैं ये रोज प्राणायाम करता था, रोज कपाल भारती और अनुलोम विलोम करीब 2 घंटा रोज करता था, तो मेरा एवियन से छुटकारा हो गया। अभी मैं स्वामी जी आपके पास आया हूँ, मेरे को रीढ़ की हड्डी में L4-L5 में हड्डी बढ़ गई है। कहीं बढ़ जाता है हड्डी, कहीं घट जाता है, वो मुझे ठीक करनी है। तो एवियन तो पूरी दुनिया में कहते हैं ठीक ही नहीं होता, रीढ़ की हड्डी तो हमने करोड़ों की ठीक कर दी है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये मामला तो वो तो 3-4 महीने का था, ये तो 3-4 दिन का ही मामला है। विनोद जी घबराओ मत, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो अब ये कहीं हड्डी बढ़ जाती है, कहीं घिस जाती है। बोलिए होता कैसे? बोलिए ये हमको नहीं पता, लेकिन होता है। ये कैसे होता है और कैसे ठीक होता है ये हमको पता है। आशीर्वाद विनोद जी, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई, हिम्मत की इसने, नहीं तो अभी तक इसके पहले कुल्ले की हड्डी बदलते, बाद में इसकी घुटने की बदलते, बाद में इसकी बोले रीढ़ की हड्डी भी अब फ्यूज हो गई, बोले इसका भी ऑपरेशन करते हैं, फिर तीसरी चौथी, फिर एक चक्र भी शुरू हो जाता, कटने पिटने से बच गया, लुटने से भी। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या लत्ती बेटा? ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी रोमेटॉइड आर्थराइटिस थी 15 साल से मेरे। 15 साल से थी? और दिल्ली RR से इलाज हो रहा था, इंजेक्शन ठोकते थे लेकिन नहीं खुल रहा था ये हाथ। कितने इंजेक्शन ठोक दिए थे? कभी 500 mg, कभी 300 mg, अभी 24 तारीख को फिर डेट दिया हुआ है, तो वो नहीं जाऊंगी अभी मैं इसको। तो अभी 7 दिन में स्वामी जी इधर का खाना और ये काढ़ा पीने से अभी हाथ ये देखो खुल गया मेरा। मैं कंघी भी ऐसे ऐसे करती थी और कपड़े भी ऐसे ऐसे करके पहनती थी। इसके हाथ पैर जो जाम थे बिल्कुल, कमर भी कुबड़ी हो गई थी स्वामी। पूरे स्टीराइड के इंजेक्शन ठोकते थे इसको और हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, 10 साल से 8-8.5 ऐसे हो रहा था, अभी 14 हो गया। लो 14 हो गया 8 से। तो मैंने बोला आपकी मशीन खराब है, बोला नहीं मैडम मशीन नहीं, आपके 14 पॉइंट हो गया हीमोग्लोबिन, 14 हो गया, 14 हो गया स्वामी जी। और यहाँ कम खाना खा के जो मैं और इतना टेबलेट देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाई नहीं, हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन ठोकते हैं, गोली ठोकते हैं, और यहाँ खा खा के परेशान हो गई थी। अब बहुत खुश हूँ स्वामी जी, आज मुझे जाना है घर। ये कल मिली मेरे से, बोले स्वामी जी मैं तो बस आपका शुक्रिया करने के लिए कि मेरे स्वामी जी 15 साल से मैं मरी जा रही थी, बहुत दर्द होता था, बहुत होता था स्वामी जी, ऐसी सोचती कि मर जाऊंगी। करके दिखा रही, बोले ये हाथ तो खुल गया स्वामी जी। खुल गया स्वामी जी मेरा, जाम पड़ा था, अब 80% ठीक है, 20% हल्का फुल्का लग रहा है अभी, वो ठीक हो जाएगा। अभी 20% भी महीने 2 महीने में पूरा निकल जाएगा, ठीक जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। कल भी यही बोले बाबा जी, बहुत दवाई ठोकी है डॉक्टरों ने, बहुत ठोकी है, ऐसे लग रहा था इतनी इतनी दवाई देते थे, इतनी इतनी जोड़ा, एक महीना की जोड़ा भर भर के स्टीराइड पेन किलर्स, फिर बायोलॉजिकल देते हैं बायोलॉजिकल। चलो बेटा संतोष, खुश रहो। ओम बाबा जी। ओम भाई। ओम जेनेटिक आर्थराइटिस बाबा जी। जेनेटिक आर्थराइटिस जी। हाँ। मम्मी को है, ये बड़ा भैया है, पहले इनको हुआ था, उसके बाद हमें हुआ, उसके बाद छोटा भाई को लेके आया हूँ। छोटे को भी हो गया? जी बाबा जी। ओहो हो हो। भाई से आया हूँ बाबा जी, तीन भाई से आया हुआ हूँ। ओ तीनों भाई। 2005 में बाबा जी राउरकेला उड़ीसा में गए थे आप, 13 नंबर सेक्टर में गए थे बाबा, एरोड्रम में प्रोग्राम था। हाँ। वहीं पर मुलाकात हुई थी बाबा जी आपसे। तो उसी टाइम से बाबा जी योगा कर रहा हूँ, और इस तरह से चलते थे बाबा जी, इस तरह से चलते थे हम। इतने टेढ़े हो गए थे? जी बाबा जी। हाँ। तो उसी टाइम से मिलने का बाद आप बोले देर है लेकिन अंधेर नहीं है बेटा, करते रहना सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा जी लगे हुए हैं, लोम विलोम कपाल भारती जितना होता था बाबा जी करते थे। हाँ।
और 2017 में बाबा जी चिकित्सालय मिला हमको सेवा करने के लिए, तो चिकित्सालय चला रहा हूँ बाबा जी। और योग भी कर रहा है दवाई जी, बाबा जी खुद भी खा रहा है जी। तब तो सीधा हो गया। हाँ बाबा जी पूरा सीधा हो गया हूँ। तीन भाई से आया हूँ, तीसरा भाई चलने नहीं सका, बैसाखी पर लेके आया हूँ उसको। तीसरा भाई बैसाखी पर, वो बड़ा है कि छोटा है? नहीं छोटा वाला। बड़ा वाला सीधा हो गया, छोटा वाला गड़बड़ हो गया। और ये दूसरे नंबर का है? ये तीसरे नंबर का है। ये तीसरे जेनेटिकली था, माँ से आ गया। अब सारे भाई अर्थराइटिस से पीड़ित थे, जेनेटिक अर्थराइटिस ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक ये बीमारियां हमने ठीक की हैं, लेकिन इसमें सब कुछ करना पड़ता है। बाबा जी ऐसा हो गया था कि हमारे कस्टमर आते थे दुकान में तो हमें देख के बोलते थे कि आपका छोटा भाई कहाँ गया, हमें देख के हमें खुद बोलते थे कि छोटा भाई आपका कहाँ गया है। हाँ वो छोटा भाई कहाँ गया, जो टेढ़ा टेढ़ा चलता था जी। अभी बोले छोटा, मैं बोलता विश्वास नहीं करते थे कि ये यही तो बैठा है। बोलो नहीं ये तो वो नहीं है जी बाबा जी। तो ये राउरकेला से आए, बहुत दूर से, उड़ीसा से जी बाबा जी। और जेनेटिक अर्थराइटिस ठीक कर लिया, अब वो तीसरा भी। और बाबा जी ऐसा हो गया था बाबा जी कि डॉक्टर हमें बोल दिए थे कि आप लोग चल नहीं पाओगे। मैं डिप्रेशन में चले गया था बाबा जी, मैं जीना नहीं चाहता था। मैं ऐसा सोच लिया था कि चक्का के नीचे आ जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्या ऐसा भी क्या जीना कि कोई हमें लेके जाएगा टॉयलेट कराने के लिए। चलो आशीर्वाद जी बाबा जी। अब जिनको भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, वक्त तो लगेगा, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, चाहे साल लगे, आए ऊपर आ जाओ, आशीर्वाद ले लो दोनों जी। माता बोलो। प्रातःकालीन स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम स्वामी जी। ओम। क्या नाम है तुम्हारा? शोभा बरडे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, संजीवनी दीदी के साथ आई हूँ, और उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का लाभ इतना जबरदस्त मिल गया मेरे को। और उन्होंने, उनके साथ मैं 3 साल हो गई सिस्टम में जुड़ी हूँ। मेरी संजीवनी दीदी बहुत 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 संजीवनी है। आपके मार्गदर्शन पे जैसे पढ़ती वैसे हमको सिखाती है, और मेरे कमर में और पेट पीठ में बहुत दर्द था। मैं बैठा ही नहीं सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, उठ नहीं सकती, इतना मेरे को जबरदस्त था। लेकिन उन्होंने मेरे को योग प्राणायाम से लाभ करवा दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वामी जी, आपने मुझे इतनी सारी नवजीवन दिया, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ। बहुत आशीर्वाद। अब बैठ उठ नहीं सकती थी, अब बैठ जाती है, उठ जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उठना बैठना दुबर हो जाए तो आदमी को कैसा लगता है। अब अपने आप बिना सहारे के उठ रही है, बैठ रही है, यहाँ लगातार 2.5-2.5 घंटा योग कर रही है। सुबह 2.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा योग होता है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में वंदन प्रणाम। बात उस समय की है जब मैं 18 से 20 साल की उम्र में अपने जवानी के जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी गलत हैबिट, गलत दिनचर्या से, गलत खान पीन से मेरे जीवन में एक मेरे एड़ी से दर्द चालू हुआ, जो धीरे धीरे 5-10 साल वो दर्द धीरे धीरे मेरे ऊपर रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, एक एक ज्वाइंट्स में वो पेन चालू होने लग गया। जब मैं योग नहीं करता था, योग के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे वो दर्द से मरता रहा, तो इतने स्टेरॉइड खाए, यहाँ वहाँ बहुत 10 साल तक, 8 साल तक मैं भटकता रहा। पेन किलर, स्टेरॉइड और अंत में बायोलॉजिकल। अब ये एक चक्रव्यूह है। फिर ऐसी स्थिति थी कि वो जो बीमारी है और इफेक्ट रोमेटिक अर्थराइटिस इंक्लूजिंग, वो मेरे एक स्टेरॉइड लेने से मेरे के एक ज्वाइंट गलने लग गए। गलने लगते लगते मुझे ये एक और कहानी एंक्लोजिंग अर्थराइटिस तो था, वो स्टेरॉइड लेकर के हड्डी और गल गई। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बहुत इधर उधर बहुत भटकता रहा, लेकिन मुझे कुछ रास्ता नहीं मिलता था। तो ऐसे करते करते जब मैं 7-8 साल से लगातार एलोपैथिक दवाई खाते रहा, तो मुझे 7-8 साल में फिर पता पड़ा कि आपके हिप राइट और लेफ्ट दोनों गलने लगे, चूहे के जैसे कतरन हो चुका है। ऐसा करके मुझे जब टेस्ट करवाया उसका, तब मुझे जानकारी हुई। फिर उसके बाद मैं घर में, मेरी एक सिस्टर है ज्योति अग्रवाल,
उसने बोला ऐसी स्थिति की मैं चेयर में नहीं बैठ सकता था, लेकिन उनका कहना था कि भैया आप टीवी में पूज्य गुरुदेव का योग आता है, अब योग करिएगा। तो मैं बोला बहन ठीक है, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, तो फिर मैं बोला ठीक है अभी तो मेरा इतना बैठना, तो मैं योग कैसे करूँगा। तो फिर हाँ, लेकिन फिर जब मैंने टीवी चालू देखना चालू किया तो फिर मैं मेरे जैसे वहाँ एक पेशेंट को मैंने सुना कि स्वामी जी के सानिध्य में उन्हें अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उसी समय वो मेरे जैसे थे, तो मुझे लगा कि नहीं अब मेरी बीमारी का इलाज है, तोड़ है। तो उस दिन से मैं धीरे धीरे जैसी मेरी स्थिति थी प्राणायाम उस बार बार टीवी को फॉलो करने से मेरी इच्छा शक्ति जागृत हुई, और स्वामी जी के योग को जब मैं धीरे धीरे समझने लग गया तो एक प्रण किया कि मुझे एक बार पूज्य गुरुदेव आप मुझे कोई भी हालत में हरिद्वार मुझे जाना है, हरिद्वार जाना है। इस भाव से फिर मैं अब इस स्थिति में धीरे धीरे मेरे एक ऐसा क्लोट आया कि मुझे इमरजेंसी में फिर नागपुर रिफर करना पड़ा, ये जो हिप का रिप्लेस करना पड़ा मुझे, ये वाला एक वाला जी राइट साइड एक बहुत ही गल गया तो रिप्लेस करना पड़ा। फिर वो डॉक्टर बोलता है आपको इंक्लूजिंग है, मतलब एक एक ज्वाइंट पे गलने लग जाएंगे, तो आपको तो ये पहला है और बहुत से एक एक ज्वाइंट गलेंगे, ऑपरेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं वो रिकवरी के बाद फिर आया और एक साल के बाद 6 महीने के बाद फिर रिकवरी हुआ, लेकिन जो अंदर के जो सेल्स हैं वो गलना चालू हो गए थे। तो दूसरा क्लोट फिर मुझको 1-2 साल का फिर आया, तो फिर आते ही इमरजेंसी में फिर मेरे को जाना पड़ा, जब मैं योग को पूरा सही तरह से नहीं कर पा रहा था, तब की बात है ये। तो फिर उसके बाद जब मैं दोबारा बार जब सर्जरी के गया तो वो डॉक्टर जी कहते हैं कि मैं बोला था ना कि आपको आना पड़ेगा करके, मैं बोला सर ठीक है और 25 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसने कहा था 25 साल में मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। अब कितने साल का हो गया? अब मैं सर 42 का हूँ। 25 साल से 42 का हो गया, डेथ डेट एक्सपायर कर रखी है इसने। और फिर मैंने डॉक्टर को बोला सर ठीक है अब तो मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके पास नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तोड़ मुझे मिल चुका है। उस दिन से मैंने फिर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अप्रैल 2012 में मुझे कार्यकर्ता के रूप में आवासी शिविर 2012 से शुरू कर दिया इसने योग। अप्रैल 2012 में पहले बार मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं इतना दौड़ भाग कर सकूं। फिर पूज्य गुरुदेव के सामने में युवा भारत का एक शिविर था जिसमें सभी राज्यकारिणी के सदस्य आए थे, जो मेरा जितेश अग्रवाल भाई है वो पहले सदस्य के रूप में जुड़ा था, लेकिन अचानक उनका नाम कट के मेरा जुड़ा, वो सौभाग्य की बात है, जब मैं योग नहीं कर जानता था। तो फिर मैं आया, 7 दिन स्वामी जी को फॉलो किया और उस दिन से लगा कि अब मेरे जीवन में वो रास्ता मिल चुका है। उस दिन में मैंने पूज्य स्वामी जी का खाना पीना दिनचर्या पूरा को अपने जीवन में शाद करके अब क्या हाल है तेरा? फिर 2000 जाने के बाद 2 साल में आज के डेट में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो एक शब्द अगर बोल रहा हूँ तो पूज्य गुरुवर का है, और जो यहाँ से एक चल शब्द आया है चल के आया हूँ तो इन्हीं के आशीर्वाद से है। अब ये बच्चा अच्छे से चल फिर पा रहा है और अब इसको एंक्लोजिंग अब रिवर्स हो गया, थोड़ा बहुत बचा होगा, 90% तक तो ये ठीक हो ही चुका, अभी सीधा बैठा है, भुजंगासन करता है, नहीं तो अभी तक तो कुबड़ा पुबड़ा होकर के बोले थे 25 साल में तो मर ही गया होता। अब इसकी ये शादी की वर्षगांठ मना रहा है, अभी तो इसकी मृत्यु की वर्षगांठ मनानी पड़ती है, माला टंग गई होती फूलों वाली फोटो पर, जिंदे पर नहीं। चलो जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे। ये एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा होता है, कितनों को मैंने लाइव किया हुआ है, मेरी गुड़िया अब बच्चों के साथ आ गया है, और नहीं तो ये धरती पर अवतरित ही नहीं होती गुड़िया। स्वामी जी मैं इसको आपके चरणों में देने आया हूँ, मेरा बहुत से प्रण था कि मैं इसको बार गुलकुल में देना चाहता हूँ, अभी लेके आया हूँ, बहुत अच्छे योग कर। चलो आशीर्वाद सबको आशीर्वाद। तो मैं अप्रैल 2012 के एक भी दिन मैंने योग को नहीं छोड़ा है पूज्य गुरुदेव, जब भी था मतलब एक भी दिन, अगर गाड़ी में भी हूँ ट्रेन में हूँ तो मैंने एक भी दिन योग को नहीं छोड़ा है। अगर मुझे 1 करोड़ भी कोई देगा और बोलेगा एक दिन योग मत कर तो 10 करोड़ मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ये मेरे गुरुवर का आशीर्वाद है। ओम परम पूज्य गुरुदेव की जय। अब ये सबको योग सिखाता है, कहाँ तो खुद लंगड़ा हो गया था, चला नहीं जाता था, अब पूरे परिवार के साथ योगी परिवार हो गया।